Very good afternoon, guys. Welcome to the largest online education platform of this nation. The name is crystal clear. That's Unacademy. So, आपको Unacademy का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन भी लेना है. और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको पता है उससे आपको फायदा क्या मिलेगा? उससे फायदा मिलेगा कि अपने कंट्री के जो टॉप 100 एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ लगे रहेंगे आपके पूरे जर्नी में, आपके पूरे सक्सेसफुल जर्नी में, आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन ऑल द थ्री स्टेजेस, दैट इज योर प्री, मेंस एंड योर फाइनल स्टेज, दैट्स द पर्सनालिटी राउंड और द इंटरव्यू. ओके, सो द डेडलीस्ट वॉर एंड द लीथल वेपन, दीज आर वॉट वी नीड. ओके, सो डेडलीस्ट वॉर के अंदर तो हम लोग हैं ही, जहां पर 5-7 लाख लोगों से ज्यादा का कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं. और यस, इन सभी लोगों को क्रश करके सीट लेने के लिए, यानी कि अपने आप को कैंडिडेट से सक्सेसफुल कैंडिडेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्हीं लीथल वेपन्स की जरूरत है. ओके गाइस, सो वी नीड नॉट फॉर श्योर डिफाइन द नेम्स. ओके, बिकॉज डेफिनेशन इज इन द नेम ओनली. So, what will you get apart from these lethal weapons? You will get all the structured courses from optional to current affairs, from GS to CSAT and everything. Okay? So, just download it and go for the subscription. So, subscription two type ka hai, plus or iconic. So, jab bhi aap subscription lene jao, you aap mera promo code use kar sakte ho. Written here, that's PMUPSC10. Okay? And with that, you will be having flat 10% off discount. Okay, guys? So, chaliye hum log apne aaj ke session ki taraf badhte hain aur dekhte hain aaj ki taza khabrein Indian Express ki. Okay? Which are considered important हमारे इस साल के यूपीएससी prelims और mains और अगले साल के prelims और mains दोनों के लिए. ये वो खबरें हैं, ये वो न्यूज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. ओके, सो गाइज, लेट्स सी द हेडिंग्स. सो न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी, मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट फॉर व्हीकल्स एंड इंसेंटिव्स फॉर ओनर्स. पाकिस्तान आर्मी चीफ रीचेस आउट टू इंडिया, सेज टाइम टू बरी पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. Rajyasabha clears bill to raise FDI in insurance sector to 74%. And the last one, US Defense Secretary arrives today, may discuss S-400 deal. Okay, so pehla wala point kaun sa hai apna discussion ka? Pehla wala hai, yani ki the scrapping of the older vehicles. Okay guys, audio video sab clear hai na? सर इनमें आप नहीं है, अभी नहीं है, बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, टेंशन नहीं है. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, आपने अभी इसको पढ़ा भी अपने करंट अफेयर सेक्शन के अंदर और ये आपके हेडलाइंस के अंदर भी मौजूद है आज, दैट इज स्क्रैपिंग ऑफ द ओल्डर व्हीकल्स. ओके, सो द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, ओके, इट हैज कम अप विद अ न्यू पॉलिसी, दैट इज स्क्रैपिंग ऑफ द ओल्डर व्हीकल्स. ओके, सो देखते हैं पूरी न्यूज, पूरी कहानी क्या है. सो अनाउंसिंग द वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन लोकसभा ऑन थर्सडे, Nitin Gadkari said that commercial vehicles over 15 years old and personal vehicles over 20 years old will be marked for scrapping. If they fail to pass the test, they will be seized and destroyed. अभी देखो कहानी कैसे, देखो यहां पे लिखा गया है, कुछ चीजें लिखी हैं, आपको याद दिलाता हूं, रिलेट करवाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा. देखो लिखा क्या है, न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी. ओके, ये तो पॉलिसी का नाम है, मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट. ओके, मैंडेटरी, कंपल्सरी, अनिवार्य, मतलब कि क्या है, आपको याद होगा, अभी आपने सुनना होगा हर बारी, हर जब भी कभी कोई क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल सीरीज होती है, क्रिकेट सीरीज होती है, टेनिस सीरीज, मतलब एक्स वाई जेड एनी स्पोर्ट्स सीरीज, तो उसके अंदर जितने भी स्पोर्ट्समैन है, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सबको मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ता है. आपने सुना होगा अभी कैसे रोहित शर्मा जो है काफी एक दो सीरीज तक बाहर रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया. ओके, so what is this fitness test? You have to prove that your body is fit enough to run, jump, okay, and every kind of acrobatic and aerobatic acrobatic activities or athletic activities. Okay, agar aap aisa kar lete ho tab to aap team mein ho, aur agar aap aisa nahi karte ho to bhai sorry, itna hi bol diya jata hai, right? तो उसी तरीके से मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट अब रख दिया गया है गाड़ियों के लिए भी, कि अगर किसी गाड़ी को सड़क पर चलना है, दौड़ना है, चाहती है वो गाड़ी की दुनिया उसे देखकर बोले वाह ये तो कार नहीं, ये तो हाहाकार है ना, तो कार को हाहाकार अगर बनाना है तो उसे मैंडेटरी टेस्ट फिट करना होगा. यानी कि अब आपके जिम जाने के साथ साथ आपकी गाड़ियों को भी जिम जाने की जरूरत है, उन्हें भी फिट रहना पड़ेगा. आपको ऑयल नहीं खाना पीना है, ओके, और गाड़ियों को अच्छे से ऑयल खाना पीना है, सो दैट फिटनेस बरकरार रखे. तो आपके खाने का जो एक्सेसिव तेल है यानी कि ऑयल है, वो अपने इंजन ऑयल में, अपने इंजन में डाल दो, डाल मत देना, सीज हो जाएगा. ओके, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर, न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी, मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट फॉर द व्हीकल्स. अभी जिन गाड़ियों के मालिकों ने अपना फिटनेस टेस्ट ऐसा बरकरार रखा गाड़ियों का,
उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। अभी बोलोगे सर मेरी गाड़ी तो एकदम फिट है तो मैं जाऊं क्या गडकरी साहब के पास और बोलू उनको कि माई कार इज फिटेस्ट कार इन दिस होल यूनिवर्स नाउ प्रोवाइड विद इंसेंटिव। अरे नहीं रे पगले, ऐसे नहीं जाना। ओके इंसेंटिव मतलब नई गाड़ियां अगर खरीदोगे तो उस पर कुछ इंसेंटिव मिलेगा। आइए देखते हैं कैसा इंसेंटिव, किस प्रकार का इंसेंटिव। ओके कार नहीं हाहाकार, एब्सोल्युटली यस। ओके सो लेट्स सी द होल न्यूज वंस अगेन। तो देखो क्या सीन है, पुरानी गाड़ियां उनको कैसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो देखो अनाउंसिंग द वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट। ओके क्या बोल दिया कि जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, टैक्सी ट्रक ट्रैक्टर एंड ऑल, ओके जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको 15 साल के बाद उनके डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ से 15 साल के बाद देना होगा फिटनेस टेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए। और आपकी पर्सनल गाड़ी जो है जिसको आप इस्तेमाल करते हो सब्जी वब्जी लाने के लिए, है ना, तो वो क्या है 20 साल उसके डेट ऑफ बर्थ से 20 साल। डेट ऑफ बर्थ बोले तो कौन सा डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन तुमने गाड़ी खरीदी है। ओके द डेट यू हैव परचेज दैट व्हीकल फ्रॉम दैट डेट 15 इयर्स इफ इट इज अ कॉमर्शियल वन एंड फ्रॉम दैट डेट 20 इयर्स इफ इट इज अ पर्सनल व्हीकल। ओके गाइस सो प्लीज मिलॉर्ड नोट द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कैसा, डेट ऑफ बर्थ से 15 साल कॉमर्शियल के लिए। ओके 15 साल किसके लिए, व्यावसायिक कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए, और डेट ऑफ बर्थ से 20 इयर्स फॉर विच पर्सनल वन। ओके नोटेड एवरीवन, दिस इज द न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी। ऑल ओके ऑल क्लियर। टार्जन का डायलॉग, कार नहीं हाहाकार। ओके यस बिल्कुल, टार्जन दी वंडर कार, उसमें यही बोला ना भाई ये तो कार नहीं ये तो हाहाकार है। तो भाई अगर आपको चाहिए आपकी कार हाहाकार बनी रहे तो बस मस्त लगे रहो, ठीक है, मतलब फिटनेस लिखे रहो। फिर देखो क्या लिखा है, अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि उसको बोलने की अब तुम सड़क पर नहीं चल सकते, तुम घर में गैरेज में बंद रहो पार्किंग में बंद रहो, नहीं उनको सीज कर लिया जाएगा और उनको तहस महस कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके एवरीवन, तो 15 साल कमर्शियल 20 साल पर्सनल। अभी फिटनेस टेस्ट का क्या सीन है, प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट फेल होता है उनको बोल देते हैं गो होम। ओके लेकिन अगर गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट फेल हुआ तो इनको बोल दिया जाएगा लेट्स बरी यू डाउन टू द अर्थ। ओके सो आपकी जिंदगी यहीं समाप्त होती है, रिप रेस्ट इन पीस। ओके इन पीसेस। ओके सो देखो इंडिया विल पुट इन अ प्लेस अ न्यू इकोसिस्टम ऑफ मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स एंड इंश्योर दैट those that fail are deregistered according to the union transport and highways minister. At the very same time he said the government will approach car makers to consider a 5% discount on purchase of new vehicles for those who give up their old vehicles for scrap and push for relief in GST. ab samjhe mitron incentives par jo car owner hai usko kaise milega, नई गाड़ी खरीदोगे और अपनी पुरानी गाड़ी जो है उसको स्क्रैप करवाओगे, ओके तब मिलेगा तुम्हें इंसेंटिव 5% का भारी डिस्काउंट, ठीक है। जैसे हमारा कोड इस्तेमाल करोगे तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 10%। ओके तो अभी इधर डिस्काउंट कितना मिल रहा है 5% पुरानी गाड़ी लौटाने पर और नई गाड़ी खरीदने पर। इसके साथ ही साथ क्या रिलीफ मिल जाएगा, जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा, है ना। तो बस अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है 5% प्लस जीएसटी रिलीफ, मतलब गुड अमाउंट ह्यूज अमाउंट, उसका पार्टी शार्टी पावरी कर सकते हैं ना, ओमनी के अलावा हम कोई दूसरी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। ओके सो दैट्स क्लियर गाइस। अभी बोलोगे सर पुरानी गाड़ियां तो विंटेज गाड़ियां हो जाती हैं, ओके अभी उनको कैसे, मतलब पुरानी गाड़ियों से कैसा मोहब्बत नहीं हो जाती, है ना। थैंक यू अनमोल, चैलेंज द चैलेंज, यस थैंक्स एवरीवन। अभी देखो कैसा पुरानी गाड़ी होती है तो कैसे उसके साथ एक दिल से लगाव होता है, इंसान से ज्यादा प्यारी तो अपने को गाड़ी बन जाती है। लाइक एक मूवी देखी थी मैंने धमाल, आपने लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर अपने जो असनानी साहब उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, ओके तो बताते हैं ना मारो डीकरो मारा जिगर का टुकड़ो, वो किसको बोलते हैं, अपने बच्चे को नहीं अपनी गाड़ी को, दैट ब्यूटिफुल विंटेज ब्लू कलर कार, राइट। होता है ना हमारे पास कोई पुरानी चीजें यार दहेज में मिली है ना, तो अब यार प्यारी होती है ना। लाइक कई बार ऐसा होता है हमारे पार्टनर से ज्यादा हमको अपनी कार प्यारी हो जाती है ना,
का पार्टनर को थोड़ा तबियत वबियत भी खराब हो गई, खांसी बुखार फीवर वीवर भी आ गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है यार, खाओ पियो सो आराम करो, मस्त, टेंशन नहीं है, आराम नहीं, ठीक हो जाना है। लेकिन गाड़ी पे छोटा सा ऐसा स्क्रैच भी आता है ना तो हमारे दिल पे खरोच होती है वो, मतलब दो चार रात नींद नहीं आती है, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आया है, मेरे को जाकर उसको बनवाना पड़ेगा। तो कई बार गाड़ियां जो है विंटेज जो पुरानी हो जाती है उनसे बहुत लगाव हो जाता है। अभी बोल रहे हो सर 20 साल पुरानी गाड़ी होगी तो इसको तो मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उठाकर ले जाएगी और कूड़ा कबाड़ में पीस पीस करके चिट्ठी के जैसे फेंकाएगी डंपिंग यार्ड में, ऐसे कैसे चलेगा, राइट? तो डंपिंग ऑफ द विंटेज कार्स, लाइक ऐसी वाली अगर मेरे पास गाड़ी है भाई तो इसका मैं क्या करूंगा, ये तो 20 साल से ज्यादा है, तो 200 साल पुरानी लग रही है, मतलब ये तो मेंटेन है, लेकिन ऐसी कई गाड़ियां हैं जो 90s वर्जन, 20s वर्जन, 1900s 2000s ऐसे करके हैं, ओके, उनका क्या करेंगे? तो उनका, उनके लिए देखो मिनिस्ट्री जो है बड़ी स्मार्ट है, अपनी ऐसा नहीं है, विंटेज कार्स आर गिवन एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, विंटेज कार्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पॉलिसी, ठीक है, समझ गए सब लोग? रिसेंट वाला धमाल हेलीकॉप्टर का सीन, तो अगली बार आग लगे तो देख लेना उस पर पानी फेंक रहे हो या केरोसिन, है ना, लोग आग में घी डालते हैं, तुम केरोसिन पेट्रोल डाल के मत चले आना, डीजल डाल के मत चले आना, बल्कि मैंने तो तुम लोगों को कल रात को भेजा भी है यूरेनियम 238, देखा होगा तुम लोगों ने, तैयार कर रहा था मैं तुम ही लोगों के लिए, है ना, अभी तैयार है, अभी कोई नाटक करेगा मैंने तुरंत भेज देना है घर पे मिसाइल में भर के, है ना, क्लियर एवरीवन? यस सर। सर आप कॉमेडी मूवी ज्यादा देखते हैं? अरे मैं हर टाइप की मूवी देखता हूं यार, ओके, इतना भारी डिस्काउंट, हाँ बिल्कुल, बुलेट प्यारी है मेरे को भी, ओके ओके, ऑल क्लियर, नोटेड, चलो गुड। ओके सो दिस इज द फर्स्ट हेडिंग फॉर टुडे, चलो बढ़ते हैं अपने दूसरी हेडिंग की तरफ, सो दिस इज आवर सेकंड हेडिंग, देखो ये क्या अपने, देखो फिर से यार, कल ही रात को मैंने मतलब मैं देखो ना देख के थोड़ा सा गुस्सा टाइप का आता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन टाइप हो जाती है, एकदम थोड़ा इरिटेशन हो जाती है अपने, मतलब पहले हेडिंग देख लो, देखो हेडिंग क्या है, पाकिस्तान के जनरल साहब हैं, इन्होंने कुछ बोला है अपने को, देखो क्या बोला है, हंसी तो फिर भी आई थी लेकिन देखते हैं बोला क्या है, है ना, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बजवा, ओके, जनरल कमर जावेद बजवा, उन्होंने बोला है कि भाई अपने को अब वक्त आ चुका है कि इतिहास को दफना दिया जाए और आगे देखा जाए, है ना, कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अब जंग नहीं चाहता है, पाकिस्तान इज ऑप्टिंग दैट आई शुड नॉट गो फॉर वॉर एनी मोर एंड आई शुड स्टॉप फाइटिंग विथ इंडिया, कैसा लगा सुन के, कसम से दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ, पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट तुमको कैसा लग रहा है, कि अभी कल इमरान खान साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान से अगर हिंदुस्तान दोस्ती कर लेगा तो उसके लिए सेंट्रल एशिया के रास्ते खुल जाएंगे, हम तो अपने कदम उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ, वही हमारी तरफ आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं, उसके पहले इन्होंने बोला इमरान खान साहब ने कि हिंदुस्तान से अमन चाहते हैं हम, है ना, शांति चाहते हैं हम क्यों अपने अमन और शांति को पाकिस्तान भेजे हैं, क्यों भाई, वाई, राइट, अभी तुम चाहते हो तो पहले अपने हमारे यहां आतंकी भेजना बंद करो, सीज फायर वायलेट करना बंद करो, ऐसे स्टेटमेंट देकर तुम क्या बताना चाहते हो, तुम बड़े महान हो, तो दिल पर कसम से मतलब हाथ रख के, ऐसे दिल पर हाथ रखो और कसम खा के बताओ, है ना, कि भाई मतलब क्या है तुमको, मतलब सच में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सच में हिंदुस्तान से अमन और शांति की उम्मीद कर रहा है, लाइक देखो कसम वसम खा के बताओ सच्ची में, व्हाट डू यू थिंक, लाफ आउट लाउड, यस आई एम लाफिंग मैन, हाँ मजाक मजाक था भाई, पाकिस्तान इंडिया के न्यूज में बनाना चाहता, ये अच्छी सोच है श्रेय आपकी, ओके, ये मतलब क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज तो बस ओके, हाँ पाकिस्तान डेली आ रहा है न्यूज में आजकल, ओके, ओके, तो कैसा नहीं ना, उम्मीद नहीं होती ना, तो बस यहां पे यही देखो क्या बोल रहे हैं कि अमन और शांति, इतिहास दफना देने का वक्त आ चुका है, इतिहास जब खून से बना हो ना मेरे भाई तो वो दफन नहीं होता, उसे सुखाया जाता है, और सूखने के लिए ना उस पर देनी पड़ती है धूप, रोशनी, जो कि तुम नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे यहां काले बादल मंडराए हुए हैं, इतिहास हमारा खून से बना है याद रखना, और खून यानी कि खून इज वेट 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 लिक्विड है, वो उसे सूखने के लिए ना हीट की जरूरत है, एनर्जी थोड़ा सा देना पड़ता है उसे, सनलाइट देनी पड़ती है, उन्हें बोलते हैं ना कि अमन और शांति खूबसूरती में दिखाई देंगे खुले उजाले में,
है ना, रोशन उजागर उजाले में, लेकिन वो कैसे देखेगा? काले बादलों को तुमने तो फैला रखा है अपने ही मुल्क में और उसमें हमारे यहां भी फैलाए जा रहे हो, है ना। आप सब जानते हैं काले बादल किन्हें कहा जाता है, राइट। तो अब ऐसे में क्या बोले, चलो कोई बात नहीं, वो तो मतलब कुछ नॉर्मल सी बात नहीं है। लेकिन यहां पर देखो फंस अगेन, अपने कमर बाजवा साहब के पास इतने मेडल्स कहां से आए हैं? मतलब कसम से जोड़ लो ना, 48, 65, 71, 99, चार बार तुम सामने आए हो हमारे, अभी कल शाम को डिस्कस किया था हमने, चारों बार तुमको मतलब ऐसा सबक सिखाया है कि तुम वापस भागे हो, तुम्हें नानी नहीं पर नानी याद आ गई है, उसके बाद भी तुम्हारी मतलब ये छाती पे मेडल्स कहां से आ गए? लूडो वूडो खेल रहे हो गए, सांप सीढ़ी में जीत भी गए हो गए, मे बी हो सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इन्होंने बोला कि शांति चाहते हैं। अब ऐसे में ना मेरे को इमरान खान साहब यही समझ में आए कि आजकल मेरे को लग रहा है ना ये योगा वोगा कर रहे हैं कुछ, आजकल जो है इमरान खान साहब अपने थोड़ा सा देखो कैसा मतलब संत वंत बनने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, मतलब पूरा ग्रहों का पूरा कुंडली वुंडली कुछ ऐसा देख रहे होंगे, है ना। और ऐसा ही होगा कि भाई शांति अमन की बात करो और दुनिया को अपनी तरफ खींचो, ग्रे लिस्ट दे दिया है ना इनको FATF ने, तो अब जो है इनकी थोड़ी सी ना दिमाग की जो बत्ती है वो जल रही है कि ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे तो पहले से ही खाने को नहीं है, पीने को भी नहीं है, ना खाना है ना पीना है, अब अगर हम ब्लैक लिस्ट में आ गए तो हवा भी शायद बैन हो जाए। अब ऐसे में ये लोग ले रहे हैं एक्शन, ओके। एक्शन किस टाइप का? बस इसी टाइप का है ना, ओम शांति शांति, राइट एवरीवन, गॉट इट। मेकअप कर दो इनकी फोटो का, क्यों भाई क्या जरूरत है? सर मार्केट से खरीद कर लगा लिया, हाँ वो आए होंगे यहां पे हमारे यहां दिल्ली घूमने तब ले गए होंगे, हाँ योगा से योगा कुछ नहीं देंगे, हाँ लूडो खेल खेल के। ओके भावना, आई विल डू दैट, ओके। अभी देखो एक चीज है, लाइक फॉर एग्जांपल एक जस्ट जनरल बातें बताते हैं, जैसे कि हमारे यहां ना इंडिया पाकिस्तान के अंदर एशियन कॉन्टिनेंट मतलब खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान में, लाइक फॉर एग्जांपल फेमस फूड्स बिरयानी है ना, अपना ये डोसा इडली वड़ा है ना, लाइक आलू बुखारा वगैरह, ये सब क्या हमारे यहाँ बड़ा फेमस फूड है ना ये सब। इसके अलावा एक और बहुत फेमस फूड है इंडिया में जिसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है, लिख देते हैं यहाँ पे, कसम। हर चीज में खाते रहते हैं हम, राइट। ऐसे क्या बिरयानी बनेगी है ना, आलू मटर की मस्त सब्जी बनेगी, पोहा वोहा बनेगा बढ़िया कुछ है ना, दम बिरयानी, चिकन दो प्याजा वगैरह, ऐसा फेमस फूड है ना। इन सब फेमस फूड के साथ हमारे यहाँ है कसम, मतलब दिन में 8-10 बार तो खा ही लेता है एक आम इंसान, है ना। एक आम इंसान जो कि झूठ नहीं बोलता वो दिन में 8-10 बार खा ही लेता है, और वो जो झूठ बोलता है उसके अंदर भूख लगती है 15-20 बार खा लेता है। कसम से यार, तुम्हारी कसम मैंने ऐसा नहीं किया है ना, अल्लाह कसम, भगवान कसम, विद्या कसम, पता नहीं कौन कौन सी कसम, दिन में अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से खाते रहते हैं, राइट। तो वैसे ही इमरान खान साहब ने भी, आजकल इनको भूख लगती है ज्यादा, तो इन्होंने भी खा ली कसम, क्या कि खाली बात करेंगे शांति की। पिछले एक हफ्ते में ये चौथी हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जहां पर पाकिस्तान हमें बोल रहा है शांति व्यवस्था बहाल करने की। अब चलो ठीक है, अब अगर वो ऐसा सोचते हैं तो हम उनकी सोच की मतलब बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सॉरी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो शांति बहाल करना तो बिल्कुल LOC पर सीज फायर वॉयलेशन जो कर रहे हो वो करना छोड़ दो, और हमारे यहाँ जो घुसपैठ यानी कि इंसर्जेंसी की हरकतें करते रहते हो वो करना छोड़ दो। उसके बाद से देखो नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों मिलकर डेवलपमेंट मचाएंगे, और ऐसा खूबसूरत डेवलपमेंट मचाएंगे कि अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी है ना, फ्रॉम करोल बाग टू इस्लामाबाद है ना, ऐसा करके, ठीक। तो इमरान खान साहब सुन लिया, समझ लिया? यस सर, कसम को नेशनल डिश डिक्लेयर कर देनी चाहिए। यस अनन्या, थैंक यू, करते हैं इसको। ये तो आर्यभट्ट को फेल कर रखा है कुछ ऐसा ही, ओके। एंटरटेनमेंट एनालिसिस, दैट्स नोन एज एड्यूटेनमेंट गाइस, ओके क्लियर एवरीवन। तो चलो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला है अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो सी द हेडिंग गाइस, वंस जस्ट फर्स्ट सी द हेडिंग्स, सी द हेडिंग फर्स्ट, ओके। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दैट राज्यसभा क्लियर्स बिल टू रेज FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर टू 74%, ओके। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% इंक्रीज की बात हो रही है, सो लेट्स सी द होल न्यूज। व्हाट इज FDI? यस, FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके।
So what's the whole story? So you see the whole story first. Rajya Sabha on Thursday passed the Insurance Amendment Bill 2021 that seeks to raise the FDI insurance sector to 74% from the current 49%. So point to be noted, my lord, what is the present percentage of FDI in insurance in India? It's 49. Okay. So guys, firstly, please note down. Ye toh abhi 74% pe increase karne ki baat chal rahi hai. Positive increment ki baat chal rahi hai. Okay. Lekin presently hai kitna? Presently hai 49%. Half century bhi nahi maar rahe hum. Theek hai? Yaad rakhna. Nahi maar rahe kyunki usko utne par hi rakha gaya hai, roka gaya hai. So, my lord, point to be noted, your highness, first point, that what is the present FDI, okay, percentage in Indian insurance sector, that's 49, okay, noted everyone, 74 par badhane ki baat ho rahi hai, 49 par abhi hum hain, okay, sir, agar aap prime minister ban gaye, to kasam se, phir kha liya tumne kasam, bhook lagi hai, chalo, aap Pakistan ko uda doge, are nahi re, baha denge. ओके दे आर नेवर गोइंग टू चेंज यस सर इमरान साहब तो हैवी ड्राइवर हो रहे हैं हाँ मौज कर दी इनकी हमने ओके सो द कॉन्सेप्ट हियर इज 49% प्रेजेंट है 74 पे इंक्रीज करने की बात हो रही है एंड द नेक्स्ट पॉइंट्स देखो ये अभी बात हो रही है ओके राज्यसभा में अभी इस बिल को पेश किया गया है पास किया गया है और लेकिन राज्यसभा के कुछ ऑपोजिशन मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि भाई इस बिल को एक बार जरा स्टैंडिंग कमिटी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी से याद आया तुम लोग यार मतलब कसम से मेरे को भी खाना है भूख लग रही है तुम लोग कसम से सबसे ज्यादा आजकल ना नॉन पंक्चुअल होते जा रहे हो मुश्किल से 3-4 लोगों ने मेरे को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का आंसर लिखकर भेजा है मुश्किल से क्लास में लाइव 100 से पार थे मैं सोच रहा था यार आज सब होमवर्क करेंगे मेरा तो पूरा दिन निकल जाएगा इनका आंसर वांसर चेक करने में मुश्किल से 2-3 लोगों ने या 4 लोगों ने मेरे को आंसर भेजा है वो भी कॉपी पेस्ट है ना चलो कॉपी पेस्ट भी सही आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स व्हाटसोएवर शुरुआत में कॉपी पेस्ट भी चलेगा टेंशन नहीं है बट हाँ 100 लोगों में जो लाइव थे 400-500 लोगों ने वीडियो देख रखा है इंडियन एक्सप्रेस वो कल की हेडलाइंस वाला ओके लेकिन उसमें से 4 लोगों ने जहमत दिखाई है ना थोड़ा सा अंदर अंदर से दिखाया कि क्वालिफाई करना है ओके ब्लेस यू गाइस ओके जिन लोगों ने भी होमवर्क किया है बाकी लोगों ने तो इधर से सुना और मतलब इधर रोटेट भी नहीं होने दिया इधर से तुरंत निकाल दिया होगा कुछ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी खड़े होकर काम करते रहते होंगे होगा स्टैंडिंग कमेटी कुछ है ना सो बस वही सो अभी क्या बोला जा रहा है कि इस बिल को रेफर करो कहां स्टैंडिंग कमेटी में दूसरा पॉइंट Okay, now we are back online. Okay, chalo. So, sorry for inconvenience. Thoda sa pata nahi kya kaise band ho gaya tha. So, coming to the point, the FDI policy is brought in only to supplement domestic capital. This will only supplement what is available in the country because what is now available is not sufficient, stated the Finance Minister Nirmala Sitharaman. Okay, dekho, scene kya hai? Bola humne yahan pe kya? कि सिंपल शब्दों में एक कहानी में समझते हैं इसको कि अभी हमारे पास जितना है एफडीआई हमें उससे ज्यादा जरूरत है बिकॉज एफडीआई विल ओनली प्रोवाइड अस एक्सेसिव एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ मनी इन इंडियन मार्केट ओके विच इज द मनी विच इज नॉट इंडियन बट इट विल फ्लो इन इंडियन मार्केट दैट्स एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हाट विल बी द आफ्टरमैथ इट विल एनहांस द इकोनॉमी ऑफ द नेशन
राइट। बाहर देखो अभी तुम्हारे पास जेब में 100 रुपए हैं तुम्हारे अपने कमाए हुए, मैं तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं वो तुम्हारे अपने कमाए हुए नहीं, लेकिन हाँ उससे तुम्हारी इकोनॉमी जरूर बढ़ गई, ठीक है। तो डोंट वरी, देने वाला नहीं हूं, ओके, बिकॉज नीदर यू आर इकोनॉमी नीदर आई एम एफडीआई, ओके। बट पॉइंट इज इंडियन मार्केट इज एन इकोनॉमी एंड यस द मार्केट नीड्स एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ ऐसा भी नहीं कि 100% कर दो, लेकिन हाँ रख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम, दैट इज राइट नाउ 49, बट इट कैन बी इंक्रीज अप टू द 74, सो दैट व्हाट वी हैव राइट नाउ एज ऑफ नाउ एंड वी नीड मोर देन दिस, वी नीड 25% मोर देन दिस, एंड दिस इज द 25% इंक्रीज इनटू द एनहांसमेंट इनटू द एफडीआई सेक्टर व्हिच इज गोइंग टू सपोर्ट द होल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके। सो आप कैसा भी मार्केट में हमारे अर्षित सर के साथ पढ़ रहे हो, ओके, द इनफ्लो ऑफ मनी एंड ऑल द मार्केट पॉलिसीज एंड ऑल, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो रेमिटेंसेस हमें मिलते हैं फॉरेन कंट्रीज से, उससे इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल चेरी ऑन द टॉप, ओके, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट आवर्स बट इट हैज गिफ्टेड टू अस बाय आवर वेरी ओन इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर्किंग इन अब्रॉड, ओके। एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट्स हैपनिंग विद दिस, इट्स स्ट्रेंथनिंग आवर कंसोलिडेटेड फंड कंटिंजेंसी फंड पब्लिक अकाउंट्स एंड ऑल, बिकॉज ये इंडिया में पैसा आ रहा है, इससे टैक्सेस मिल रहे हैं, मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, ओके, और हमारी जो है उन्नति होती जा रही है, अच्छे दिन आते जा रहे हैं, ओके। सो दिस इज व्हाई वी नीड एफडीआई, व्हाई, बिकॉज यस व्हाई राइट नाउ वी हैव 49%, ओके, बट वी नीड 25% मोर इन ऑर्डर टू इन यू नो ग्रो 25% मोर, ग्रो 100% मोर, व्हाट वी नीड 25x मोर ऑफ एफडीआई, ओके गाइस, क्लियर एवरीवन? सॉरी सर, मेरा वी को लेगा, क्या हुआ ये सर, मेरा हेट में वी को लगा है। सैयद अनमता, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू स्टेटेड हियर, कैन यू प्लीज जस्ट कमेंट वंस अगेन। सर आई हैव आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन वेयर टू आंसर, आई हैव सर्च इन टेलीग्राम बाय योर नेम टू, इट्स पीएम यूपीएससी 10 डियर, ओके, टेलीग्राम आईडी, थैंक्स शालू फॉर आंसरिंग, ओके, एवरीवन क्लियर? व्हाई डू वी नीड मोर एफडीआई? Everyone, please comment. Clear? Okay. So this is the statement. अभी इसके बाद और भी कुछ चीज है इसके अंदर. So देखो next point. Under the new structure, the majority of the directors on the board and key management persons would have to be resident Indians, which will make them accountable under the Indian law. Okay. अभी इस न्यू लॉ में क्या बोला गया, अपने ये जो नया जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसमें बोला गया कि जितने भी मैक्सिमम कंपनीज के डायरेक्टर्स होंगे उनको रखा जाएगा कि ये सारे सारे मतलब मैक्सिमम इसमें इंडियंस हों, सो दैट ये इंडियंस इंडियन लॉ के अंदर भी इनको कवर किया जा सके। सो द नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दैट अंडर द न्यू स्ट्रक्चर द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड एंड की मैनेजमेंट पर्संस विल बी इंडियन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआईज भी नहीं, रेसिडेंट इंडियंस, जो यहां पर रह रहे हैं, ओके। यूपीएससी आपको क्वेश्चन में यूं ही फंसाएगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है इंडियंस की और साथ ही साथ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस की, है ना, तो नहीं, एनआरआईज आर नॉट परमिट, एनआरआईज को इसमें नहीं जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है रेसिडेंट इंडियंस की, ओके, एनआरआईज नहीं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन नहीं, आरआईज, दैट इज रेसिडेंशियल रेसिडेंटेड इंडियंस, ओके, दैट इज दोज हु आर लिविंग इन इंडिया रेसिडेंट इंडियंस, ओके। So NRIs are not there, but RIs are there. That is resident Indians. Okay. Thank you, Ranjit. Thanks a lot. All clear, guys. Everyone. Yes, only resident Indians. Correct, Khushi. Okay. So please note down this point that under the new structure, that is under the new Insurance Amendment Bill 2021, maximum jo board of directors honge aur jo management jo staff hoga, usko kya rakha jayega? Indian. So that unko Indian law ke under control kiya ja sake. ओके एवरीवन, ऑल क्लियर? ओके की रिपोर्ट है सर, बहुत सही, बड़ा लंबा चौड़ा रिपोर्ट है यार, ओनली रेसिडेंशियल इंडियंस, ओके सर, व्हाई आवर गवर्नमेंट हेडिंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन? सी डियर, दिस इज वेरी वेरी जनरल आंसर, व्हाई, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन एनहांसेस कॉम्पिटिशन, मोर एंड मोर कॉम्पिटिशन, मोर एंड मोर मनी इन द मार्केट, ओके, बिकॉज मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर इकोनॉमी अपलिफ्टमेंट, ओके। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, बहुत ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में एक साथ एक्टिव रहेंगे, ये सब एक दूसरे को पीछे करने के लिए अपना प्रोडक्ट अपनी क्वालिटीज को एनहांस करते रहेंगे, फायदा तुमको होगा मुझे होगा, एग्जाम्पल ले लो जियो, राइट, जियो रिवोल्यूशन 2016, इससे पहले आपके पास क्या था, महीने भर में 1 GB का रिचार्ज कराते थे 250 रुपए लगता था,
मतलब आप अपना बैकग्राउंड डेटा बचाने के लिए मोबाइल डेटा भी ऑफ रखते थे, किसी ने इमरजेंसी में व्हाट्सएप किया तो वो भी नहीं देख पाते थे, ना जाने कितने ब्रेकअप हो जाते थे इसी चक्कर में कि यार तुमको तो मैंने मैसेज किया, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि रिप्लाई कर सको, है ना, या तुम्हारा तो मैसेज सीन ही नहीं होता है, वो सिंगल टिक पे ही रह जाता है, वेयर यू यूज टू बी बिजी दीज डेज, है ना। अब कैसे बताएं कि यार 1 GB डेटा होता है, बैकग्राउंड डेटा 200-300 GB ले जाता है, 250 रुपए का रिचार्ज होता था 30 दिन के लिए, तो बंद करके रखना पड़ता था, लेकिन लोगों को इसमें थोड़ा शक वक होने लगता था कि यार लगता है मामला थोड़ा सा गड़बड़ है मुझसे, जो तुम नजरें चुराने लगे हो, ऐसा कुछ लगता है कोई और गली जाने लगे हो। लेकिन फिर बाद में देखो अंबानी साहब ने हमें थोड़ा गिफ्ट विफ्ट दिया एक बढ़िया सा, क्या बोला, एक काम करो 250 रुपए में जो 1 GB रिचार्ज कराते थे, तुम 250 रुपए में एक काम करो 40-45 GB ले लो, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी फ्री ले लो, राइट। तो ये कहां से मुमकिन हुआ, प्राइवेटाइजेशन इनटू द टेलीकॉम सेक्टर, ओके। अभी इस चीज को देखकर बाकी की जितनी कंपनीज थी उन्होंने भी अपना जो है स्पार्क किया ये सेम चीज, कि अगर उनको मार्केट में बना रहना है तो उनको भी यही सेम कुछ टैरिफ लाना पड़ेगा, वरना जियो तो इनको 2 महीने के अंदर बाहर कर देता मार्केट से। तो ऐसे में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जितने भी कंपनीज थी सबने यही स्कीम लेकर लाई, ओके। नाउ हु इज इट बेनिफिट, यू मी एवरीवन, कोई ब्रेकअप वेकअप नहीं हो रहे हैं, अब कोई रिश्तेदारी नहीं टूट रही है ना, शादी वादी भी जब हो रही है तो उसमें तलाक वलाक के जो है जो नहीं आ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं नौबत, है ना, क्योंकि लाइव लोकेशन ट्रैक करने के लिए अब डेटा हम दिन भर ऑन रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओके। सो बस यही है, वाई प्राइवेटाइजेशन, जिंदगी बचाओ, है ना, तलाक नहीं होगा, ब्रेकअप नहीं होगा, जिंदगी बची रहेगी। एंड टू कम टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, दैट इज विदाउट यू नो जोक, दैट इज प्राइवेट प्लेयर्स दे विल एनहांस द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, एंड द एनहांस्ड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट विल प्रोवाइड अस मोर मनी इन फ्लो, मोर मनी इन फ्लो, दैट इज इकोनॉमी बूम बूम, ओके, क्लियर एवरीवन। व्हाई डू वी नीड प्राइवेटाइजेशन, 500 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता था तब क्या, ओके, पहले 1 GB पूरा मंथ चलता था, नाउ 2 GB एक दिन में बचा कर रखते थे ना सर, बट देर इज नॉट मच फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट समवेयर डिमिनिशिंग सी, एब्सोल्युटली नॉट, ओके, एब्सोल्युटली नॉट कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ऑब्वियसली हमारे पास एक इश्यू नहीं है सॉल्व करने के लिए, वी आर हैविंग मल्टीपल इश्यूज गाइस, राइट, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, अनएजुकेशन, इलिटरेसी, करप्शन एंड ऑल एंड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, स्टीरियोटाइप माइंडसेट्स, एक प्रॉब्लम से सरकार नहीं झूलती है जो है एक बार में टैकल करती है, एक बार में हम सैकड़ों प्रॉब्लम से टैकल करते हैं, डील करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, किसी एक प्रॉब्लम पर हम अभी आज फोकस रख रहे हैं, किसी एक चीज पर हम कल परसों में फोकस रखेंगे, राइट। सो बस ऐसा है कि मे भी हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर अभी हमारा फोकस उतना नहीं है, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट अभी कहीं और है, है ना, तो इसको एक बार कवर अप कर लें तो दूसरे पे आएंगे, फिर इसको दूसरे को कर लेंगे, फिर तीसरे पे आएंगे। सो बस ऐसा ही है, लेकिन हाँ ये कहना बिल्कुल ही वाजिब नहीं होगा कि HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर हमारा फोकस नहीं है, बिल्कुल है। हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि मे बी प्रायोरिटी में फर्स्ट रैंक या सेकेंड रैंक पे नहीं है, बिकॉज उससे पहले फार्मिंग सेक्टर है, ओके, इंडस्ट्रीज हैं, इन सब चीजों को ज्यादा बेहतर एक अलग ऊंचाई देनी पड़ेगी, जिससे HRD अपने आप जो है वो बोलते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट, राइट, एक आगे बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो बस और कुछ नहीं, ओके एवरीवन, एम आई क्लियर। अब तो बस आइडिया 4G दे रहा है, ओके, आप नहीं मिलते अभी, लिंक भेज देता मैं आपको ग्रुप के ऊपर, ठीक है, आपके उसमें टेलीग्राम पर, ओके ओके गाइस, बट समहाउ प्राइवेट प्लेयर्स विल गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज्ड पीपल रेदर देन जनरलाइज्ड, एब्सोल्युटली नॉट, ओके, बिल्कुल भी नहीं। सी private players will not give the just the you know the priority to the specialized and not to the generalized, point is we have to be both special as well as general, UPSC dekh lo, general hona padega general studies mein, hai na, special hona padega optional mein, right, to bas dono cheezon ka balance bana kar chalna padega, okay, aisa nahi hai कि यार यहां पर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी वहां नहीं मिलेगी, दोनों चीजों का बैलेंस हर जगह बरकरार रहेगा, ओके, सो बेसलेस नहीं है, लेकिन हाँ दोनों का बैलेंस जरूर बना रहेगा, ओके गाइस, आत्मनिर्भर भारत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही पार्ट है, यस विनीता, एब्सोल्युटली, वेरी गुड, परफेक्ट, ओके, परफेक्ट एग्जांपल, आत्मनिर्भर भारत, उसमें HRD पर ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, ओके, सो क्लियर गाइस विद ऑल दीज पॉइंट्स। तो आज के लास्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज द S-400 डील विद रशिया। अभी देखो हमने क्या देखा है यहां पर कि US डिफेंस सेक्रेटरी साहब जो हैं इंडिया आने वाले हैं, तुम क्यों हैंग हो गए, पाकिस्तान नहीं दिखाया, अच्छा दिखाया, हाँ तभी
देखो यहां पर हेडिंग क्या है, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी विल अराइव टूडे ओके एंड मे डिस्कस दी S-400 डील। अभी देखो न्यूज में क्यों है, S-400 के ऊपर हम लोग करीब डेढ़ महीने पहले एक वीडियो कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने उसे नहीं किया, उस वीडियो का अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यूपीएससी 101 या करंट अफेयर्स 101 दोनों के चैनल्स में से किसी पर भी आप जाकर उसे सर्च कर सकते हो, इन द नेम ऑफ S-400 ओके। आई हैव ओनली डन दैट वीडियो ओके एंड वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस होल इमेज व्हाट इज व्हाटएवर इज रिटन हियर, सो उसे आप जरूर देख लें। बस आज अभी इसके लिए इतना ही समझ लो कि S-400 डील के ऊपर आज यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बात हो सकती है। अब ध्यान में आएगा कि सर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बात की और ये खरीदा तो रशिया से है ना, तो S-400 डील की बात हम यूएस डिफेंस सेक्रेटरी से क्यों करेंगे। तो जनाब बात ऐसी है, 2016 में जब ट्रंप चचा बने अपने यूएस प्रेसिडेंट है ना, तो इन्होंने ना एक रूल पास किया था, एक लॉ पास किया था, इस लॉ का नाम था काटसा ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लॉ, काटसा है ना, यही काटोसा काटसा काट के रख देंगे ऐसा वाला ही काटसा है ना, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि नॉर्थ कोरिया, अपना वो टेडी बेयर वाला किम जोंग उन वाला ओके, नॉर्थ कोरिया रशिया और ईरान के साथ जो भी डिफेंस डील करेगा, जो भी किसी भी टाइप की डिफेंस डील करेगा अमेरिका यानी कि यूएस, उसके साथ किसी भी टाइप की फिर डिफेंस डील नहीं करेगा ओके। हमने रशिया के साथ डिफेंस डील करके क्या खरीद लिया, S-400। यूएस ने हमने कहा कि यार तुम तो बड़े शैतान निकले, तुमने कर लिया डिफेंस डील, अब तुम पर हम लगाएंगे काटसा। हमने कहा लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको नाराज, तुमको खुश करने के लिए हम रशिया को नाराज थोड़ी करेंगे, और S-400 हमारे पास आ गया और तुमको भी थोड़ा सा डर लग गया है कि ओहो चचा टेंशन है, S-400 ले आए तुम लोग, इसमें भरोगे तुम लोग अब अच्छे से ब्रह्मोस मिसाइल के जैसे न्यूक्लियर व्यूक्लियर यूरेनियम 238 तो तुमको आजकल मैं ही बना कर दे रहा हूं है ना, तो कैसा अभी तो टेंशन, वॉशिंगटन उड़ जाएगा, तो इसीलिए हमने बोला काटसा तुमको लगाना है लगाओ, रशिया हमारा जिगरी है ना, हमारा जो है मतलब एकदम लंगोटिया है, तो इससे तो हम कोई जो है दगाबाजी करेंगे नहीं ओके, तुमको लगाना है लगाओ। तो उन्होंने लगाया नहीं, बस हमें धमकी देकर जो है ऐसा डराने की कोशिश करी, हमने कहा तू करता रहे डजंट मैटर्स ओके। सो बस इसीलिए आज जो है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी साहब जो है इकोनॉमी क्लास अपनी नहीं सॉरी बिजनेस क्लास की टिकट लेके आ रहे हैं इंडिया में, और डील करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई काटसा लगेगा कि नहीं लगेगा, और सॉरी तुमको हमने ऐसा धमकी वमकी दे दी थी काटसा के लिए, लेकिन बाद में याद करो तुम्हें एसटीएल लिस्ट 2 में भी तो डाला, स्ट्रेटेजिक ट्रेड अलायंस लिस्ट 2 है ना, तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और फिर ये बोलेंगे भी कोई बात नहीं, अभी S-400 की जगह वो S-600 भी बनाएंगे, S-800 भी बनाएंगे, वो भी खरीद लेना यार, सैमसंग के एस सीरीज तो खरीद ही रहे हो, उसी तरीके से समझ लेना एस सीरीज में तुमने मिसाइल भी खरीद ली ओके गाइस, क्लियर एवरीवन, यस काटसा। कोरिया ओएमजी स्केरी, अरे बिल्कुल भी नहीं यार, इतना प्यारा क्यूट सा तो दिखता है किम जोंग, कैसा टेडी बियर जैसा, क्या स्केरी है वो, उसको जबरदस्ती बदनाम कर रखा है, डर लगता है। In order to boost competition among the Indian companies, privatization plays a vital role. Absolutely. Okay? Got it? Sir, can US put sanction on our deal with Philippines for BrahMos? But it's our personal matter. No, absolutely not. Philippines se hum deal karna kuch bhi kar rahe hain, usse kya matlab? Ye hamara personal matter hai. Sir, agar arm factory close ho jaye worldwide, then global peace aa sakta hai? I will rather not opt to answer this question. Arm factories बंद हो जाए, आ तो सकता है ओके, लेकिन a very hypothetical type of question ना, कि अगर दुनिया से हम एटमोसफियर से अगर हम जो है H2O निकाल दें तो क्या बारिश होनी बंद हो जाएगी, है ना, नहीं, हम ही मर जाएंगे है ना, तो जाने दो। Got it? Okay, एक रिपोर्ट आ गई, मोटू तानाशाह, अरे क्यूटू भी है यार वो, एकदम क्यूटी पाई। ओके गाइस क्लियर एवरीवन, तो चलो आज के सेशन के लिए इतना ही, शाम को 7 बजे मिलेंगे, इंडिया पाकिस्तान ट्रीटीज डिस्कस करेंगे, और जाने से पहले भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं बोलना, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी ठीक है। और आपको याद रखना है जब भी नोटिफिकेशन, जब भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ तो कसम खा के PM UPSC 10 जो है लगा देना, सब्सक्राइब कर लेना ओके। और अब जब तक आप चाहो तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बातचीत कर सकते हो PM UPSC 10 ओके गाइस, सो दैट्स इट विद दिस सेशन, शाम को मिलते हैं 7 बजे, पाकिस्तान की फिर से थोड़ी सी धुलाई करनी बाकी है, अभी थोड़ा सा गंदगी बची है वहां पे भी सफाई करनी है ओके। सो विल डिस्कस इंडिया पाकिस्तान ट्रीटी टुडे इवनिंग बाय 7 PM ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।